है? नाटक प्रतियोगिता है, इस नाटक में तो जरूर भाग लूंगा। मैं अभी जाके सर से बात करता हूँ, इस नाटक का किरदार मैं ही करूँगा। हैंड्स अप। कौन है? मैं हंदा। ये चॉकलेट मुझे चाहिए, दो मुझे दो। तू ठीक नहीं कर रहा है हंदा। मेरा चॉकलेट ले लिया तू, उस नाटक में मैं ही भाग लूंगा, वो किरदार मैं ही निभाऊंगा। इसीलिए मैं तेरे साथ रिहर्सल कर रहा था, इसलिए चॉकलेट छीन लिया मैं। चंचल कुमार के पास ऐसा ही एक पिस्तल रहता है, उसकी कहानी बड़ी मजेदार है। आँखों को अगर ऐसे बांध दो तो कहानी और भी मजेदार बन जाएगी। समझा टब्बू? हंदा मेरा आँखों की पट्टी खोल दे, बोल रहा हूँ, वरना ठीक नहीं होगा। हंदा पट्टी खोल दे, मेरा तेरा पट्टी मैं खोलूंगा, भाग यहाँ से। क्यों रे, चल, सर बुला रहे हैं। चंचल कुमार का डायलॉग बोलना होगा, जिसका डायलॉग अच्छा होगा उसी को सारी एक किरदार देंगे। मैं जा रहा हूँ। तो फिर मुझे भी जाना चाहिए, वरना हंदा मेरे से पहले जाकर। नहीं नहीं, मुझे अभी अभी जाना चाहिए वहाँ। आओ आओ हंदा, आओ। पढ़ने आए हो तुम? हाँ सर। भोंदा ये किताब तुम पढ़े हो ना? भोंदा इस किताब को तुम पढ़ो जरा, देखो जरा पढ़ पाओगे कि नहीं। जी हाँ सर, दीजिए। सूरदय की प्रात कल को जन्म होता है, फूलों के कलियां खिल जाती है, गुरुवार को सब घर में पूजा करते हैं। रुको रुको, तुम ये सब क्या पढ़ रहे हो? ये तो कविता है। हाँ सर, मतलब नहीं सर। सर ये क्या किताबें पढ़ेगा सर, ये तो घूम घूम कर सिर्फ केक चुराता है सर, इसको पढ़ने नहीं आता है सर। इसका मतलब हर जगह चोरी यही करता है। सुनो हंदम, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा कविता पढ़ने के लिए ढूंढा हूँ, क्योंकि तुम बहुत ही होशियार और नेक बच्चे हो। वैस वैस सर, इतना तारीफ मत कीजिए, मुझे पता है आप कौन सा किरदार मुझे देंगे सर। तो फिर तुम लोग रिविजिंग रूम में आओ। ठीक है सर, ठीक है ठीक है। हंदा और भंदा तुम दोनों जल्दी जल्दी आओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ। आ रहे हैं सर। हंदा जाओ, तुम चेंज करके आओ, जाओ जाओ जल्दी जाओ। सर ये तो घोड़े का लिबास है, चंचल कुमार क्या घोड़ा है। ओहो बातें मत करो, जाओ जाओ जल्दी जाओ, जल्दी से उन मास्क को पहन के आओ, जाओ जाओ। ओहो हो, देखा हंदा, मैं बन गया चंचल कुमार और तू बन गया मेरा घोड़ा। मर गया मैं, तू कितना भारी है। बुंदा मैं कह रहा हूँ, तू उतर। बुंदा तू बहुत भारी है। चल मेरे घोड़े, चल 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 चल। शिवपुर गांव में कितने दिनों से एक तरह का उत्पात शुरू हुआ है, भूत का उत्पात, और वो होता है शिवपुर से डोमकल जाने के रास्ते में। उस रास्ते में एक बांस का बागीचा पड़ता है, उत्पात तो वही होता है।
बाप रे बाप। दीनू, मैं तुम्हारा बाजार लेकर जा रहा हूँ। अरे दीनू, तुम्हारा बाजार तो भूत लेकर चला गया। ले गया इसीलिए तो बोले। और उसकी कितनी भयंकर हंसी थी, मैं था तो बच गया, अगर दूसरा रहता तो मर जाता। घटना के कुछ दिन बाद ही एक समय बाजार वाले दिन शाम के समय मधु कुमार बाजार से अपना सामान खरीदकर घर की ओर आ रहा था। टोकरी एक छोटी टोकरी है जिसमें राम रावण है, जो देखना चाहे आके देख ले अपनी आँखों से। अरे भाई, यह क्या हुआ? इस रास्ते के बीच में बांस कैसे सोए हैं? किसी तरह कूद कर इसके पार चला जाऊं। अरे बाप रे बाप, भूत! राम 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 राम। चलो, इस बेटे के पेट में गुदगुदू देते हैं। अरे छोड़ो 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 छोड़ो, लग रहा है लग रहा है लग रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो। क्या क्या बात है, भूत क्या तुम्हारा पेट में गुदगुदी दिया? केवल यही नहीं, मेरे अनाज का बैग और पॉकेट का पैसा भी सब ले गया। सुन रहे हैं क्या समझे सामू? मैंने तो यही सुना था कि भूत गर्दन मरोड़ कर खून पी जाते हैं, लेकिन ये नहीं सुना था कि अनाज और रुपया पैसा ले लेते हैं और साथ में उसके बदले गुदगुदी दे देते हैं। मुझे लगता है किसी भूत खदेड़ने वाले को बुलाना चाहिए। या ओझा का काम नहीं है, इसके भीतर अवश्य ही रहस्य की कुछ बात है, सब सुनो तब। खूब सावधानी से काम करना होगा, ध्यान रखना समझे? जगह कल शाम के समय में ही। छोटी मछली बड़ी मछली जो देखेगा आके देख ले अपनी आंखों से देख ले। जगाई, हम लोगों को सांग समझी मछली दे जाओ तो कभी नहीं दूंगा, तब मैं तुम्हारी गर्दन मरोड़ कर तुम्हारा खून पीऊंगा। अरे कौन है रे? उसके पहले तू बता कौन है। अगर नहीं बोलूं तो हम लोगों के पास चाकू है, छोड़ दो नहीं तो एक ही वार में। अरे कौन कहा है, जल्दी आओ तो। शाम जाओ, जाकर उनका मुखरा हटाओ तो। ए, खोलना नहीं खोलना नहीं। चलो इन लोगों को थाने ले चलो। चलो 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 चलो, हाँ चलो 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 चलो। उसके बाद से ही उस बांस के बागीचे के पास भूतों का उत्पात बंद हो गया। बहुत साल पहले मिथिला नगर में एक बहुत छोटा गांव था। उस गांव में एक लड़का जिसका नाम हीरक था, उसके आगे पीछे कोई नहीं था और न ही उसके पास कोई जमीन जायदाद थी। वह बहुत गरीब था। गांव के लोगों के सहायता से वो अपना जीवन
व्यतीत करता था। नहीं नहीं, इस तरह से मांग मांग कर खाने में अब अच्छा नहीं लगता है। अरे ऐसी भी कोई जिंदगी है क्या? हाँ, अरे वहाँ कौन रहता है? पहले तो कभी नहीं देखा। कौन है आप? मैं चित्रपुर गांव से आया हूँ, मेरा कोई नहीं है। बहुत दुख की बात है, आओ आओ मेरे साथ आओ। प्रणाम, प्रणाम गुरुदेव। कौन हो बच्चा तुम? गुरुदेव वह हीरक, वह चित्रपुर गांव में रहता है। इसके आगे पीछे कोई नहीं है गुरुदेव, ये अनाथ है, इसलिए इसे आपके पास लेकर आया हूँ। आज से तुम इसी आश्रम में रहना, मेरे और शिष्यों के साथ तुम भी विद्या अध्ययन करो वत्स। जी गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव, मुझे बुलाए हैं। लोभ और भोग से हमेशा दूर रहना, हमेशा त्याग के पद पर चलना ही तुम्हारा धर्म है। सच्चे मन से विद्या अध्ययन करो। आप निश्चिंत रहें गुरुदेव। गुरु जब उपस्थित नहीं थे तब एक दिन सुबह सुबह घाट पर स्नान करते समय। अरे ये क्या, ये कैसे फटा? अरे ये इसी शैतान का काम है, इसका तो कुछ ना कुछ व्यवस्था करना पड़ेगा। आज से मैं बिल्ली पालूंगा, वो बिल्ली मेरे वस्त्र की रखवाली करेगी। क्यों हीरक, बिल्ली पाले हो क्या? हाँ दोस्त। लेकिन दोस्त उस बिल्ली को क्या खिलाओगे सोचे हो? कितना कुछ दे रहा हूँ पर कुछ नहीं खा रही है ये बिल्ली। हाँ उसे एक कटोरी दूध दो तब जाकर वो पिएगी। हाँ अब एक गाय पालनी पड़ेगी, उसके बाद कोई समस्या नहीं होगी। हाँ कल ही बाजार से एक गाय खरीद कर लाऊंगा। लेकिन उसकी समस्या तो दूर नहीं हुई, गाय पालने से उसके भी तो खाने का बंदोबस्त करना होगा, इसीलिए फिर से चिंता में पड़ गया हीरक। गाय को भी तो कुछ खिलाना पड़ेगा, नहीं तो वो जिंदा कैसे रह पाएगा? हा? सही से अगर उसे नहीं खिलाया तो वो दूध कहाँ से देगी? हा? तो और समस्या हो जाएगी, अब लग रहा है चास करनी पड़ेगी। हा? खाने की समस्या भी दूर होगी। हे चल हट 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 चल 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 हट हट। बहुत परिश्रम करने के बाद फसल उगाया हूँ, अब जाकर देखता हूँ फसल कैसा हुआ है। अरे ये तो सोने जैसा फसल उगा है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ इस जमीन की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है, ऐसे एक व्यक्ति को रखूंगा जो मेरे खेत की रखवाली भी करेगा और साथ ही साथ गाय और मेरे बिल्ली को भी देखेगा और मेरे घर में रहेगा। अरे ऐसा व्यक्ति तुम्हें कहाँ मिलेगा? सोच रहा हूँ शादी कर लूँ। ओ शादी? उसके बाद देखते देखते हीरक के शादी के 1 साल बीत गए। गुरुदेव हिमालय की तपस्या करके अपने आश्रम में वापस आए। प्रणाम गुरुदेव। खुश रहो बच्चे, कौन हो बेटी तुम? गुरुदेव ये मेरी पत्नी है। तुम्हारी पत्नी? ये क्या बच्चा, तुम विवाह किए हो? तुम्हें मैं कहा था कि लोभ भोग से हमेशा दूर रहना, और तुम विवाह कर लिए हो, संसार बसा लिए हो तुम। क्या करूं गुरुदेव, और कोई रास्ता नहीं था। महाराज गुरुदेव हीरक के ऊपर आश्रम की जिम्मेदारी दिए थे और वो उसका उल्लंघन करके अपना संसार बसा लिया। इसके बावजूद भी गुरु अपने शिष्य हीरक को सजा क्यों नहीं दिए महाराज? उसकी बात सुनकर गुरुदेव क्यों हंसने लगे? पैताल, जीवन से भागना, आत्महत्या करना,
जीवन के साथ लड़कर बचे रहना। गुरुदेव इसलिए हंसे थे, वो समझ गए थे कि उनकी शिक्षा विफल नहीं हुई। इसलिए अब मैं चला महाराज। हर 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 हर, सच में बहुत खूबसूरत रात है, चारों तरफ चांदनी ही चांदनी फैली है। रुको 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 वत्स, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जाओगे? मैं सन्यासी हूँ वत्स, मैं करीमपुर जाऊंगा। तुम्हारे बैलगाड़ी में जगह है क्या मालिक? बिठा लूं? हाँ बिठा लो बिठा लो। चले आइए सन्यासी जी। बच्चों तुम लोगों का नाम क्या है बताओ? मैं गोपाल और ये मेरा दोस्त हरिचरण। हम लोग जात के नाई हैं। अच्छी बात है बच्चों, अच्छी बात है। सन्यासी जी आप अपना परिचय दें। अरे मूर्खो, संसार के सारे मोह माया को त्याग करके सन्यासी बन गया हूँ, अब मेरा परिचय लेकर क्या करोगे तुम लोग? हाँ बताओ। लग रहा है वर्धमान का सीता भोग का खुशबू आ रहा है। बच्चों भूल से भी इस मटके को हाथ मत लगाना। क्यों सन्यासी? इस मटकी में नाग है, मैं मंत्र की शक्ति से उसे सुला कर रखा हूँ। जो मंत्र की शक्ति नहीं जानता है, अगर वो इस मटकी को छूते हैं, तो संग संग नाग उसे डस लेंगे और उसकी मृत्यु संग संग हो जाएगी। अब तुम दोनों सावधान रहना। आप निश्चिंत रहे सन्यासी, आपके इस मटकी को हम दोनों कभी नहीं छुएंगे। बहुत नींद आ रही है। बच्चों कहाँ उतरोगे तुम लोग? हम लोग चांदपुर। मैं करीमपुर से पहले वाले गांव में, मैं थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। करीमपुर आते ही मुझे जरा उठा देना। हाँ हाँ जरूर जरूर। नारायण नारायण। सन्यासी गहरी नींद में सो रहे हैं। चलो अब जरा मटकी को खोल कर देखते हैं क्या है। नहीं गोपाल, उस मटकी को भूल से मत छूना। क्यों? सुना नहीं उसमें नाग है? जाने दो, बेकार की बात है। ये देख क्या है इसमें। अरे इसमें तो सीता भोग है। आहा क्या खुशबू है। ओहो बहुत अच्छा। अरे भैया मुझे भी थोड़ा सा दे दो, मुझे भी भूख लगी है। वाह बहुत बढ़िया, स्वादिष्ट है। वाह पेट भर गया खा के। इधर जो करीमपुर आ गया है, ये भी देखो सन्यासी को उठाना होगा। लेकिन मटकी खाली है। सुनो तब। ओ सन्यासी जी, ओ सन्यासी जी। उठिए सन्यासी जी, करीमपुर तो पार हो गया। ओ बैलगाड़ी रोको, बैलगाड़ी रोको रोको रोको। अरे हुर हुर, अरे हुर हुर, अरे हुर। सन्यासी जी ये लीजिए आप अपना नाग वाला मटकी। अरे 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 अरे, ये कहाँ हुआ, कहाँ गया मेरा एक एक मटकी सीता भोग? आपके नाग के पेट में।